दोस्तों बात करें यहाँ पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना ने पीजी के वोकेशनल एमबी एमसी इन सभी कोर्सेज में यहाँ पर नामांकन के लिए दोस्तों बात करेंगे थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। तो आइए बताते हैं जिनका नाम दोस्तों आया वो उनको क्या करेंगे, जिनका नाम दोस्तों नहीं आया क्या फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं, क्या स्पॉट ऑन होगा, चलो बताते हैं। तो देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे जिनका नाम आ गया थर्ड मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, तो आपको यहाँ पर वेबसाइट मिलेगा ppup.ac.in दोस्तों वेबसाइट पर आ जानी है। आपको सारे जो भी जेन्यून खबरें हमारे इस चैनल पर मिलेगी बिल्कुल सारे रियली खबरें, क्योंकि हमें दोस्तों एक्सपीरियंस है 10 सालों का। तो यहाँ पे दोस्तों क्लिक करिएगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिल यूजी पीजी एडमिशन फॉर्म के ऑप्शन पर आपको दोस्तों क्लिक कर देनी है। आप जिससे पार्टिसिपेट था एडमिशन पोर्टल पर दोस्तों आ गए हो, दोस्तों आने के बाद एक पर यहाँ पे बूम गाइस आपको यहाँ पर एम बी ए की मेरे पास मेरी सीरीज हो चुकी है। अब बात करें पीजी वोकेशनल की भी थर्ड मेरिट यहाँ पर रिलीज हो चुकी है, ऑफर लेटर आपके यहाँ पर लॉगिन में दिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं कितनी कट ऑफ रिलीज दोस्तों गई है इस थर्ड मेरिट लिस्ट में पीजी की वोकेशनल। हालांकि कुछ दिन पहले पीजी की ट्रेडिशनल बात करें यानी रेगुलर की थर्ड मेरिट यहाँ पर जारी हुई थी, अब देख पा रहे पीजी के वोकेशनल मेरिट यहाँ पर जारी हो गई वो भी थर्ड वाली। चलो चेक करते हैं, नाम लगा दी यहाँ पे दोस्तों, पता नहीं क्यों डेटा बहुत जीवा का आजकल चल रहा है बहुत ख़राब। तो चलो एमबीए का भी यहाँ पे नाम लगा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बूम गाइस खुल चुकी है लिस्ट पीजी के सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स की, इसमें एमबीए का नहीं है कटअप से जो निकली है। यही कॉलेज पटना बात करें एमसी का कटअप देख पाओ दोस्तों यहाँ पे गया है 75.25% कटअप गया है मेल का, फीमेल का 73.46%। बाकी सारा कोर्सेज का आप चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे आगे यहाँ पे पीडी कॉलेज पटना का एमसी का कटअप गया है 72.46%, कटअप देख पाओ बहुत हाई गया है। कोकास का भी यहाँ पे 73.13% कटअप गया है। दोस्तों जिनका भी नाम नहीं है सोच लीजिए यहाँ पे कटअप आप देख लीजिए, और अगर आपका गैप भी है तो गैपिंग में दोस्तों परसेंटेज घटता है, 1 से 1.5% यहाँ पे आपको गैपिंग में भी घटता है अगर गैप है। तो ये था दोस्तों यहाँ पे थर्ड मेरिट आपने चेकआउट कर ही लिया। अब दोस्तों एमबी का शुरू दिखाते हैं। तो एमबी का दोस्तों थर्ड मेरिट यहाँ पे हमें फर्स्ट मेरिट यहाँ जो निकली है हमें डाउनलोड कर ली है। तो दोस्तों इसका ही प्रक्रिया बिल्कुल सेम है जो कि मैं आज वीडियो बताऊंगा, वीडियो पूरा बस देखना। तो ये रहा दोस्तों एमबी का फर्स्ट मेरिट सीरीज हो चुकी है, देख पा रहे कॉलेज एन कॉलेज बीडी बीएस कॉलेज कुका जीडी वुमेंस कॉलेज। तो दोस्तों कट ऑफ कितनी दोस्तों गई है देख पा रहे, मिल गई कट ऑफ 53%, देख पा 23%, बाप रे बाप, ओ माय गॉड, देख पा रहे यहाँ पे जिसका जीडी पी आई दोस्तों हुआ था 23 मार्क्स, तो कट ऑफ 47 गया है इसमें नील है। दोस्तों कट ऑफ आपका नाम आ गया तो आप भी नामांकन ले सकते हैं। अब नामांकन दोस्तों करना क्या है वो मैं चलो बता दूँ, आप इस प्रकार आ जाना, जी डी पी आई का स्कोर भी आ गया एम बी स्टूडेंट्स का, आप अपने एम बी स्टूडेंट्स वाले जो भी अप्लाई किया एम बी एडमिशन के लिए अपना जी डी पी आई का स्कोर भी आप चेकआउट आप कर सकते हैं, अलग से जारी कर दिया गया है। तो देखो दोस्तों जी डी पी आई का दोस्तों स्कोर है यहाँ पर, आपके यू आर एन नंबर, आपका नाम, फादर के सब्जेक्ट्स आप यू जी थे, मैक्सिमम दोस्तों 1400 मार्क्स, उसमें कितना मार्क्स ऑप्टेंड हुआ, कितना परसेंटेज बना देख पाओ, टोटल कितना हुआ 300 में, सब कुछ आकर दोस्तों बनाया गया है, ठीक है। तो चलो दोस्तों आगे यहाँ पर आपको बात करें जिनका थर्ड मेरिट नाम आगे है आप एक पे क्लिक करो, यूजर नेम पासवर्ड कैप्चर आके लॉगिन करके आपको दोस्तों यहाँ से ऑफर को डाउनलोड कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर लॉगिन होगा, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे मेरी स्टेटस ऑफर पर आपको क्लिक करना है, उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको दिखेगा पी जी वी यहाँ पे 3 लिखा रहेगा, आपको कॉलेज सेलेक्ट रहेगा अगर आपका नाम है, अगर नहीं से नॉट सेलेक्ट लिखा है इसका मतलब आपका थर्ड मेरिट लिस्ट नाम नहीं आया। जिनका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में आ गया चलो बताते हैं आपके पास कितना डेट बचा है। तो जी दोस्तों यहाँ पे थर्ड मेरिट नामांकन के लिए देख पा रहे हो लास्ट डेट है 2 अगस्त तक नामांकन ले सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे पीजी वोकेशनल वाले 24-26 सत्र वाले यहाँ पर, और बात करें यहाँ पर लास्ट डेट एडमिशन लेने का 2 अगस्त है, कॉलेज एडमिशन एडवाइज डेट करेगा 3 अगस्त। तो सर क्या फोर्थ मेरिट लिस्ट निकलेगी? जी नहीं, फोर्थ मेरिट लिस्ट यहाँ पर नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर बात करें सीटें बहुत कम, ऑलरेडी सीटें यहाँ पर बहुत कम ही है। और एम बी ए दोस्तों को दिखा दिया यहाँ पर एडमिशन दोस्तों, यहाँ पर लास्ट डेट एडमिशन दोस्तों स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, एक तो दोस्तों लास्ट डेट यहाँ पर नामांकन लेने का फर्स्ट मेरिट एम बी ए वालों के लिए, कॉलेज वाई डेट होगा 1 अगस्त को, फिर सेकंड लिस्ट आ जाएगी 3 अगस्त को, उस पर नामांकन 10 अगस्त तक होगा। अब दोस्तों बात करें पे सीट एडमिट आप चेक कर लो, और सीटें चेक करते हैं दोस्तों, फिर उसे पता चलेगा क्या फोर्थ में दोस्तों आएगी या नहीं दोस्तों आएगी। तो एडमिशन पोर्टल दोस्तों वापस हम आ गए, आने के बाद यहाँ पर हमें देख पा रहे सीट एडमिट का दोस्तों ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जो भी दोस्तों वोकेशनल कोर्सेज है, मैं उदाहरण के तौर पर दोस्तों कई वोकेशनल कोर्स मैं दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। मान लीजिए एम सी दोस्तों मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं अपना सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर लिया है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पटना लंदा, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट में नामांकन लेना अपना चूज़ कर लो, तो उस टाइम को सीटें आपको ऊपर देखने को मिल जा रही है कितने सीटें दोस्तों यहाँ पे खाली है। तो सीटें देख के उस सबको अंदाजा यहाँ पे लग रही है कि यहाँ पे दोस्तों स्पॉट ऑन यहाँ पे जाए शुरू होगा, जिसमें पहले पाव की तश में नामांकन होगा, जो कि बात करें स्पॉट एडमिशन यहाँ पर आपका कब शुरू होगा वो बताते हैं। तो सीटें दोस्तों देख लो यहाँ पर फोर्थ में दोस्तों बिल्कुल नहीं आने वाली, यहाँ पर स्पॉट ऑन दोस्तों नामांकन होगा, फोर्थ में तब आती है जब सीटें बहुत ज़्यादा बाकी खाली रहती है। फिलहाल दोस्तों वेट करिए, यूनिवर्सिटी का डिसीजन अभी आना बाकी है, ये तो मैंने अपने राय के अनुसार हमने जवाब दिया। स्पॉट नाम कब शुरू होगा? स्पॉट नाम यहाँ पे 3 अगस्त के बाद यहाँ पे शुरू होने की संभावना है, तब तक वेट करिए। उनका भी नाम आ गया लिस्ट में तो डॉक्यूमेंट वगैरह लगे नाम के लिए वो ध्यान दो, तो आपको ऑफर लेटर का 6 प्रति, आपको सीएलसी का ओरिजिनल ग्रेजुएशन का माइनर सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्क्शीट, पार्टी का मार्क्शीट, 10 का मार्क्स का सर्टिफिकेट, अगर एस सी एस टी बीसी बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस हैंडीकैप, आधार और एक फोटो कॉन्टैक्ट नंबर। तो करना क्या होगा दोस्तों, बस कॉलेज जाना है, कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कराना है, फिर कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर के आपको नाम उनके दोस्तों अप्लाई कर देनी है।
तो दोस्तों बात करें स्पॉट नामक ऐप बहुत जल्द शुरू होगा दोस्तों, मौका फिर से मिलेगा यहाँ पर। बात करें जिनका नाम अभी तक नहीं आया है उसके जाकर हमारे चैनल से बने रहना। चलिए ये थी अपनी पार्टनर से पटना बात करें पीजी नाम को लेकर के। अब जो बढ़ते कमेंट सेक्शन की ओर, तो पहला कमेंट यहाँ पर देख पाए हो, यहाँ पर आर्यन बॉय जी का है कि समय TPS कॉलेज गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मालूम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ले रहा है, इसीलिए नहीं ले रहा है क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है। सो अपडेट वहाँ पर होने दीजिए, दिन आपका ले लेगा, ठीक है। वैसे अगर नहीं ले रहा हो तो मुझे उस यहाँ पे आप मुझे थोड़ा अपना डिटेल्स हो दो, अगर इंस्टाग्राम पे भेजिए मैं वहाँ चेक करके बताता हूँ। ये आपका TPS कॉलेज का पूरा वेबसाइट अलॉट हुआ, TPS कॉलेज वेबसाइट है, TPS कॉलेज आपको सर्च कर लीजिए इस प्रकार। यहाँ पर देख पा रहे हो बात करेंगे नाम के लिए, यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर है, देख पा आपको वेबसाइट पर क्लिक कर देनी है। तो फिर उसको देख पा रहे हो PG के लिए यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आ चुकी ऑलरेडी, वो इस पर क्लिक करनी है। और यहाँ पर बात करें अपना रेफरेंस नंबर URL नंबर पास पटना द्वारा वो डालिए ऊपर, और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई पर क्लिक करना है, ठीक है। ध्यान चेक कर लीजिएगा मोबाइल नंबर रजिस्टर आपका है नहीं, मोबाइल नंबर सही है डाल के चेक करिए, फिर भी अगर नहीं होता तो मुझे भेजो स्टाम्प पर, मैं चेक करके वहाँ सबको बताता हूँ। अगला मेरे पर दोस्तों किया गया, देख पा रहे पंकज कुमार जी ने कि बिलिस में एडमिशन के लिए अप्लाई करते समय ऑप्टिक मार्क्स 770 की जगह 715 में से डाला गया है, जिसके कारण मेरे पास इतना कॉलेज में लिस्ट में नहीं आया, क्या करें। देखिए इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत जल्द पोर्टल यहाँ पर खुलने वाला है, तो आप थोड़ा वेट करिए यहाँ पर। तो जी पंकज कुमार बात करें, यहाँ पे बहुत जल्द पोर्टल यहाँ पे खुलने वाला है, स्पॉट में ही पोर्टल खुलेगा 3 अगस्त के बाद ही, तो उसमें बात को करेक्शन का मौका दिया जाएगा, बचे सीटों पर नामांकन आप ले सकोगे, ठीक है। तो खुद से आपको लॉगिन करेक्शन करना हो जाएगा। फोर्थ में भी आएगा कि अजी बिल्कुल नहीं, फोर्थ में यहाँ पर PG का बात करें रेगुलर के लिए, तो PG के लिए तो फिलहाल तो देखो सीटें यहाँ पर बाकी है, तो हो सकती है यहाँ पर दोस्तों फोर्थ में लिए स्पॉट नामांकन हो। तो क्या कैसे होगा मैंने यहाँ के अपडेट के लिए हम बता दें, यहाँ पर 86% में भी नहीं हुआ जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पर बात करें बहुत हाई किया है, इसी वजह से यहाँ पर नहीं हुआ है। क्या मेट्रो कॉलेज में फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा वन डे? जी हाँ बिल्कुल, कॉलेज अलॉट हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको वेरीफिकेशन आपको जाना है, फिर आपका नामांकन हो जाएगा। एडमिशन कराना है हमको, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा हमको भी नामांकन आपका। किनको भी अगर नामांकन कराना हो उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करिए, इंस्टाग्राम पर इंस्टाम अकाउंट आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मुझे वहाँ पर हाई करना, ठीक है, मुझे बताना किस कोर्स में क्या। तो दोस्तों कुछ खर्च करना पड़ेगा, आपका नामांकन हो जाएगा। अगला कमेंट देख पा रहे हो, उफ बच्चे जी ने कमेंट किया कि मैंने अप्लीकेशन फॉर्म नहीं किया है, मैंने स्पॉट ऑन में फॉर्म फिल कर सकते। जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं स्पॉट ऑन में, फुली बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर स्पॉट ऑन में बात करें एक दूसरे दो दिन के लिए पोर्टल यहाँ पर खुलेगा, जिसमें आपको नामांकन लेने का आपको मौका मिलेगा, बिल्कुल माइन इज नॉट इन नहीं है कोई बात नहीं, वेट करिए यहाँ पर स्पॉट के लिए आप एलिजिबल है, स्पॉट के लिए फिर से पोर्टल खुलेगा, देना पर अप्लाई कर देना। मेरा तो नाम ही नहीं आया PG स्पॉट का, जी हाँ बिल्कुल आपका हो जाएगा कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं का नाम नहीं आया विकास जी, हो जाएगा। फिर रिटर्न मिलेगा कोई कॉलेज नहीं अलॉट होने पर? जी हाँ बिल्कुल मिल जाएगा आपका एडमिशन फी, ठीक है हो जाएगा मिल जाएगा। इससे कौन सा कॉलेज मिला था ये बताइए मुझे। स्पॉट ऑन कब आएगा? 3 अगस्त के बाद उसको स्पॉट ऑन यहाँ पर आएगा, जैसा कि हमने आपको बता दिया, बस थोड़ा वेट करिए। जैसे अगर मैं वीडियो बना के डाल दूँगा फॉर्म नहीं दोस्तों भरा रहा है, क्या मैं स्पॉट में बैठ सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल बैठ सकते हो स्पॉट में, कोई बड़ी बात नहीं, आप बैठ सकते हैं सर, बैठ सकते हैं बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर। हाँ तो ये थी पूरा पूरी अपनी बात करें पार्टनर्स पटना PG होटल के, हमने पूछा है सारों सवालों का जवाब दे दिया, फिर भी कोई भी डाउट हो तो पूछना जरूर। ये थी अपडेट, वीडियो को लाइक करिए, आगे बढ़ पाने के चैनल से बने रहिए।